अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नौरोज टीवी। मैं हूं अली अब्बास ख्वाजा। हम आज मौजूद हैं नवाब पैलेस एम्प्रेस रोड लाहौर में, और हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो रिप्रेजेंट करते हैं आगा जान अली कज़लबाश को, खुद्दाम जुलजना आगा शाह हुसैन कज़लबाश साहब। आज उनसे बातें करेंगे, उनसे जानेंगे काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई। कौमियात के लिए की लीडरशिप के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके ख्याल में? अली, ये बड़ा ही खूबसूरत आपने मुझसे सवाल किया है, और शायद जिंदगी में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सवाल किया गया है। कौमियात में सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी अता की है बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, और इसको यूटिलाइज कैसे करना है हमें। जब तक हम अपनी जिंदगी से किसी को कुछ डिलीवर करके दुनिया से नहीं जाएंगे, समझिए हम बेपर्दा बेबोध मर गया, कुछ दिया नहीं। हमें कुछ डिलीवर करना है अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने अजीजों और को, सबको हमें डिलीवर करके मरना है। बस मेरी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि आखिरी सांस तक भी मैं एक मजलूम आजादार के, जो मेरे घर में आए, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो, कोई साइल बन के वो आए और वो खाली हाथ जाए ना कुछ हम उसे डिलीवर करें। हम उसे क्राइटेरिया जो आपने बयान किया, आपके ख्याल में जो मौजूदा दौर में लोग लीड कर रहे हैं या आजादारी के हवाले से मसाइल में आगे पेश पेश होते हैं, क्या वो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं? अगर हम अली के मानने वाले हैं, पंचतंत्र पाक के मानने वाले हैं, 5, 12, 14 के मानने वाले हैं, फिर हमें मुफाद प्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मुफाद हम दिल में रख के किसी को कुछ डिलीवर करेंगे, डिलीवर से मुराद मेरी ये है कि अगर कोई एक मजलूम आजादार जो पिछले 20 साल से आजादारी कर रहा है, तो उसके कोई रुकावट आती है उसकी आजादारी में, हमें उसकी रुकावट को दूर करना है, उसके रास्ते को हमार करना है। अच्छा साहब, इख्तलाफ राय एक खूबसूरत चीज है, और कहते हैं जो खड़ा पानी होता है वो बदबूदार होता है, तो आपके ख्याल में जो कौमियात में बाहमी इख्तलाफात मौजूद हैं उससे तो सरफे नजर नहीं किया जा सकता, तो आपके ख्याल में इसका हल क्या और इसके तदारुक के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जब हमने आजादारी करनी है, मिसाल के तौर पर हमने आजादारी करनी है, तो हमारे जाति मुफाद और जातियात को साइड पे रख के हमें हुसैन बादशाह की माँ को राजी करना है। हुसैन बादशाह की माँ राजी है तो जग राजी है, जग राजी है तो रब राजी है। हमने हमने अपने आप को मुफाद प्रस्त नहीं बनाना, हमें कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है जो कुछ भी हम अपनी जातियात, अपनी अपनी मैं को मिटाकर, अपनी मैं को मिटाकर जो राय हवार कर सकते हैं, हमें राय हवार करनी चाहिए हमें। अच्छा साहब, अभी आप डिटेल बता रहे थे इंटरव्यू से पहले कुछ कि जो आपकी खिदमात हैं खुद्दाम जुलजना के हवाले से, माशाल्लाह आप करीबन 53 बरस से ये जो खिदमत है अंजाम दे रहे हैं, तो उस हवाले से हमें बताइएगा जुलजना जो शब आशूर बरामद होता है उसकी तारीख के हवाले से एक तो बता दीजिए, और उसकी ज़रूरियात वही, और ट्रेनिंग वाले जो लफ्ज़ हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिसाल दी जाती है पंजाबी में कि कोड़ा होवे या मर्द होवे डिपेंड करता खुराक पे। एक तो उसकी खुराक का ध्यान किया जाए, और खुराक भी जो है, खुराक के लिए भी मेरे मौला मुश्किल शाह अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि फसल भी एक हद तक पानी मांगती है, अगर उससे भी ज्यादा पानी लगा दिया जाए तो भी तबाह हो जाती है। खुराक के हर चीज में एक लिमिट बताई है मेरे मौला ने, जीना सिखा दिया ना मेरे मौला ने। ये एक जो जुलजना है जिसे हम अपनी जबान में शबीए जुलजना बोलते हैं, ये एक वो सवारी है, एक वो सवारी है जो जिसकी ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि रेतली मिट्टी पर जैसे रावी का किनारा है, रावी के किनारे पर इसके लिए बेहतरीन ट्रेनिंग है इसकी वॉक वहां से करवाई जाए रेतली मिट्टी पर। तो आज साहब आपकी जो सजेशन है ये जो आप बता रहे हैं, तो ये कौन करवाएगा, इस पे अमल दरामद कौन करवाएगा? ये यकीनी तौर पे अभी जो हो हमारे इलाका अली रजाबाद में इसकी ट्रेनिंग हुई है वो सारी कच्ची जगह पे हुई है टोटल वहां पे, ठीक है, जो वक्त किसलबाश परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सबके, जिसके मतवली आगा जान अली खान के किसलबाश हैं,
अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती की जिंदगी अदा करे और वक्त को इतनी तरक्की दे कि वक्त इनके पूरे अखराजात उठाता है। और इसकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने वक्त ने बाकायदा साइसों की अच्छी एक पे है जो साइस इनको ट्रेनिंग देते हैं वही कच्ची मट्टी पर। अभी इसको जैसे मेरा कजन है आगा मंसूर अली कसलबाश, वो उसे आज माशाल्लाह उसे 3 महीने हो गए उसे देखते हुए और वो पूरी तवज्जो दे रहा है। उसे मालूम है कि इसे किस किस चीज़ की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला मेरा मौला पंचतन पाक बहुत बेहतर करेगा, पिछले सालों से बहुत बेहतर करेगा। अच्छा साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, आपने कहा कि अब आगा मंसूर अली कसलबाश की देखभाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक दफा फिर जो जुलजना की देखभाल है वो कसलबाश खानदान खुद से ही कर रहा है, गैर कसलबाश कोई नहीं कर रहा, तो चार्ज अब फिर आगा मंसूर अली कसलबाश के पास है। मुझे तो समझ नहीं आती ये चार्ज की मुझे समझ नहीं। ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि एक डीसी बदल गया है और दूसरे डीसी ने आके चार्ज लेना है, एक एसपी बदल गया उसकी जगह पे दूसरे एसपी ने चार्ज लिया है। नहीं, आगा जान ने खानदान कसलबाश को नौकरी दी है, ड्यूटी दी है कि आप ड्यूटी करें। अच्छा आगा साहब, इतने तनाजात से क्यों भरी पड़ी है ये चीज? मतलब पहले शुरू में ऐसी बातें नहीं सामने आती थी या इस तरह के मसाइल नहीं थे, ये मसाइल दिन ब दिन या रोज ब रोज साल ब साल बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इसका तदारक कौन करेगा? ये वाहिद कायनात की एक वाहिद ज्यारत है जो शब अशूर ये सुलझना बरामद होता है और करबला गामिशा में भी होता है। ये वाहिद ज्यारत ऐसी है, वाहिद ज्यारत जिसपे लोगों की जायरीन की तमन्ना है कि किसी तरीके से हम इस ज्यारत को हाथ लगा लें। जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं। आज मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ बांध के मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं उस जायरीन को ये कहना चाहता हूं कि बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज है जो अली आपने मुझे अभी बोला था कि ये दीद ही काफी है कि आपने जुलजना की दीद कर ली, आपने जुलजना को देख लिया है, तो दूर से आप दोनों हाथ ऐसे करके भी आप ये ज्यारत कर सकते हैं। अब हर आदमी अगर ये चाहे कि मैं रास पकड़ लूं, मैं 10-10 एक जगह पे 10-10 हाथ पकड़ लूं, सुलझना की तकद्दस नहीं है। फिर आता तकद्दस को आपने पामाल नहीं करना। हम कोशिश करेंगे कि महला शिया के हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें कोशिश करेंगे कि हाथ बांध के उन्हें कहेंगे कि आप लोगों ने मेजबान बनना है, आप मेजबान हैं। जो लोग दूर दूर से पाकिस्तान से बाहर और पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, जो ज्यारत के मूड पे आए हुए हैं कि आज हमने हुसैन के जुलजना की आज ज्यारत करनी है, तो हम मेजबान बने, मेहमान ना बने, हम तो उनकी ज्यारत करवानी हमें उनको सबको हमने चलाना है। और साहब यहाँ बात एक और कहूंगा कि जो पहले कोऑर्डिनेशन थी उसमें कोई नेगेटिविटी थी? फिर मतलब अब पॉजिटिविटी अगर आ गई तो पहले वाले जो मुकर्रर करदा लोग थे वो भी आगा जान अली कसलबाश साहब के मुकर्रर करदा थे। एक्चुअली ये जो ड्यूटी अभी आई है हमारे यहाँ, ये शुक्र, ये मैं अभी कहूँगा कि परवरदिगार का कम शुक्र है कि 7-8 साल के बाद वापस वही ड्यूटी अल्लाह ताला ने अपने खानदान कसलबाश में आई है, ड्यूटी आई है। अब ये ड्यूटी अगर हमारे पास ये नौकरी आई है तो हमें अपने मुझे किसी से सरोकार नहीं, मुझे अपनी जात के लिए कहूंगा, हमें अपनी अंदर की छोटी छोटी कदूरतों को बाहर निकाल के, अपनी जातियात को, अपनी मैं को हटा के साइड पर रख के हमें आजादारी इमाम हुसैन साहब करनी है और लोगों को बताना है कि हम कल भी एक थे, आज भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। 50 साल से ज्यादा अरसा बीत गया माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्त जिंदगी दे कि आप ये खुद दामे जुलजना की ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने जो इस 50 साल की कोई ऐसी याददाश्त शेयर करें हमसे जो आपको हमेशा याद आती हो। आज से तकरीबन कोई 30-35 साल पहले की बात है, मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम और आखिरी दफा मैंने ये एक लफ्ज सुने हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कुछ लोग आए और उस वक्त नमाज शब और फजर के दरमियान का टाइम था आई थिंक, और कुछ लोग आए और आके उन्होंने आके कहा हटो आदम साथ ना हो तो हमें ज्यारत करने दो। अब इसका मतलब है कि ऐसी मखलूक है जो शबीए सुलजना की ज्यारत करने के लिए आती है और हमें मालूम भी नहीं होता,
हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारे साथ कौन खड़ा है उस वक्त। पर भट्ट साहब ने मुझे एक वाक्य सुनाया, उन्होंने मुझे एक वाक्य सुनाया, उन्होंने मुझे कहा कि जब कई कई महीने बारिश नहीं होती थी तो हमारे मोहल्ले में शिया सुन्नी मिल के हमारे पास आ जाते थे और कहते थे कि तुम लोग हजरत अब्बास की अलम निकालो और मातम करो तो हमें यकीन है कि बारिश हो जाएगी। खुदा की कसम, वो कहते हैं कि मुझे कसम है, अपनी जादी की कसम है, बारिश हो जाती थी, बारिश हो जाती थी। उसकी वजह क्या थी? अकीदे मजबूत थे। शाह साहब, आपने अकीदों की बात की, अकीदे बहुत मजबूत थे, तो उन मजबूत अकीदों को किसकी नजर लग गई? मुझे यहां पर मुझे बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जब हम जब सेल्फी बनाते हैं, जब हम सेल्फी बनाते हैं तो सबसे पहले हमारी तस्वीर आती है, उसके बाद झुलझना या झूले या ताबूत या ताजिया की तस्वीर आती है। इससे आप अंदाजा ये लगा लें, ये आपके पास जब से ये मोबाइल आया है, इस मोबाइल में हमने सबसे पहले हम अपनी तस्वीर देखते हैं कि हम यहाँ पर इस जुलूस में हम कहाँ पर हैं। मतलब मोबाइल तो एक जरिया है, एक गैजेट है, आपके ख्याल बदअकीदगी जो है ये मोबाइल वजह सिर्फ उसकी? ना ना ना, मोबाइल नहीं, मोबाइल उसकी, मैंने तो आपको एक मिसाल दी है। शबे आशूर की ज़ियारत जो करीबन 200 साल पुरानी है, लाइसेंस कब अप्लाई किया गया? ये दो सदियें जब ब्रिटिश हुकूमत थी, मैं इसे सिंपल आपको कहूँगा कि लाइसेंस का लफ्ज़ यहाँ के लिए छोटा है। ये एक्चुअली ये एक ब्रिटिश हुकूमत ने, ये नोटिफिकेशन है, ये इतना बड़ा नोटिफिकेशन है जो हमारे खानदान को दिया गया है। और इसे मैंने अभी को 4-5 दिनों में मैंने इसे जमा करवाया है इसे, और इसे बाकायदा मैंने चांदी के ट्रे में, किमखाब के एक रुबटे में, मैंने इसे बाकायदा बड़े प्रोटोकॉल के साथ मैंने एसपी सिटी के पास जमा करवाया मैंने। और मुझे सब वो जरूरी होता है ये जमा करवाना? ये हर साल गवर्नमेंट का रूल है कि गवर्नमेंट आपसे वो लाइसेंस लेती है, उसके बाद जब जैसे ही झुलझुना ये विद्या होता है, अपने अपने टाइम पर विद्या होता है, उसके बाद हमें इस लाइसेंस को साइन करके वापस हुआ हमें दे देती है। इसी तरह ये तरीकाकार जो है, ये भी एक अरसे से ना एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ये चलता आ रहा है। चाह साहब, ये एक और बात आपसे डिस्कस करनी थी कि मुहर्रम कलेक्शन भी आ जाती है मार्केट्स में, और हमारे जो मोमिनीन हजरात हैं वो भी दौड़ पड़ते हैं, तो इस पर भी कुछ आपका रद्देमल चाहिए हमें। जी अली, बहुत ये बड़ा कीमती सवाल है आपका। अब मुझे ये बताएं आप कि जब सब शहीद हो गए, जब 71 शहीद हो गए, तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़ैनब मेरा पुराना जोड़ा निकाल दे, अब मैं शहादत के लिए जा रहा हूं। मेरा सवाल है आपसे कि मेरे मौला इमाम हुसैन साहब ने उस वक्त कौन सा कीमती कपड़े पहने हुए थे कि मेरे मौला ने कहा मुझे को पुराना जोड़ा निकाल दे, पुराना जोड़ा निकाल दे। आज बाजार में मुझे ये शर्म से कहना पड़ता है कि मेरी बेटियां, हमारी बेटियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, जब दुकानदारों ने खसूसी तौर पे एक लफ्ज बना दिया है कि मुहर्रम कलेक्शन के नाम से, तो मेरा पैगाम है अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए कि मैं हाथ बांध के इल्तिजा कर सकता हूँ, हाथ बांध के इल्तिजा कर सकता हूँ कि कोशिश करें कि बीबी सैयदा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के राजी करना है तो ये जो मुहर्रम कलेक्शन से है, ये इससे हम बाहर निकल के पुराने जोड़ों पे आ जाए। शाह साहब, हमारे इल्म में आया है कि इस साल क्योंकि ख़ानदान कज़लबाश के बाद दोबारा से मुकम्मल इंतज़ाम जो शबे आशूर की ज़ियारत का है, तो कुछ रिवायात का रिवाइवल हो रहा है, उस बारे में कुछ बताइएगा। इंशाल्लाह ताला, जो कॉन्सेप्ट है
हमारा अकीदा, हमारा ईमान कि जब हम ये जुलजना निकालते हैं शब अशूर, तो इस पे इमाम सवार होते हैं। जब इमाम सवार हैं तो एक रवायत हमारी चली आ रही है पिछले सदियों से, एक रवायत चली आ रही है, इंशाल्लाह ताला उस रवायत को हमने इस साल कायम दायम रखेंगे। पुरानी कतवाली में जैसे ही जुलजना आता है, पुरानी कतवाली वजीर खां के चौक पे, तो वहां पे सवार के ऊपर एक छतरी लगाई जाती थी, वो सोने और चांदी की छतरी है और वो एक सवार के ऊपर लगाई जाती है। वो इंशाल्लाह ताला वैसे ही वो छतरी हम लगाएंगे मेरे मौला पंचतन पाक के सदके में, जहां तक वो छतरी जा सकेगी वो छतरी हमारी साथ चलती रहेगी। ये जो छतरी है ये पुरानी है, ऑलरेडी मौजूद है या नई बनवाई जा रही है या उसी पुरानी छतरी को इस्तेमाल किया जाएगा? इंशाल्लाह ये छतरी हमारे पास बड़ी पुरानी छतरी है, ये अली बहुत पुरानी छतरी है, ये हमारे बुजुर्गों की, जिसमें मतलब चांदी और सोने का पूरा काम हुआ हुआ है और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत छतरी है। अभी आप पुरानी को भी कोई वीडियो निकाल के देख लें तो उसमें आपको ये छतरी नजर आएगी। आपको शाह साहब आज़ादारी के हवाले से आप नौजवान नस्ल को हमारे चैनल नौरोज़ आज़ादारी चैनल और नौरोज़ टीवी के तवसत से कोई पैगाम देना चाहेंगे? शबे अशूर और योमे अशूर हज़रत इमाम हुसैन साहब की शहादत ही नहीं, 72 शोदा की शहादत है और एक एक का जनाजा इमाम हुसैन साहब ने उठाया है। और आप सोचे कि वो कितनी तकद्दस वाली रात है और कितने तकद्दस वाला योम अशूर है। उसमें मैं एक यंग जनरेशन जो हमारी है उसको मैं हाथ बांध के एक मैसेज दूंगा कि उस रात जातियात को नफी करते, लड़ाई झगड़े को साइड पे रखते, उस रात को, उस दिन को, उसमें अपनी मैं को मार ले, मनफी सोच को खत्म कर दे, दुश्मनियां दरगुजर कर दे, हमने मिलजुल कर इस इवेंट को कामयाब करना है और हुसैन बादशाह की मां को राजी करना है। मैं हाथ बांध के कहूंगा हुसैन बादशाह की मां के सबके हम एक हो जाते हैं, हम एक हो जाएं, बस यही मेरा मैसेज है, हम सब एक हो जाएं बस। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके कीमती वक्त का। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अली अब्बास ख्वाजा को, इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम, एक नए इंटरव्यू के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, लब्बैक या हुसैन।